पिछली वीडियो में हमने जियो की प्रीपेड सिम को घर बैठे कैसे मंगवाई इस वीडियो में बताया था। आज की इस वीडियो में हम पोस्टपेड सिम के बारे में बताएंगे। अगर आप भी जियो की पोस्टपेड सिम खरीदना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, वो भी अपने घर बैठे, तो किस तरह से कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो पोस्टपेड सिम क्या होती है ये तो सभी को पता ही होगा। जिन लोगों को पोस्टपेड सिम के बारे में नहीं पता है वो इंटरनेट पर या फिर यूट्यूब पर डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं पोस्टपेड क्या होता है। तो चलिए अब जानते हैं पोस्टपेड सिम किस तरह से बाय की जाती है। सबसे पहले माई जियो एप्लीकेशन हमें ओपन करना है। जिन लोगों के पास माई जियो एप्लीकेशन नहीं है वो प्ले स्टोर से इसे इंस्टॉल करेंगे, या फिर जिन लोगों के पास है या फिर जिनके पास अभी जियो का नंबर नहीं है तो वो अपने फैमिली फ्रेंड के माई जियो का इस्तेमाल करेंगे। माई जियो के एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पर हम आने के बाद इसको पहले हमें रिफ्रेश कर लेना है। एक बार इसे अच्छे से रिफ्रेश करेंगे तो ही हमें जो प्रीपेड सिम लेने का ऑप्शन है वो हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमारा जो रिफ्रेश हो चुका है माई जियो, अब हम इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर कई सारे ऑप्शन नज़र आ जाते हैं, जहाँ पर इनवाइट फैमिली फ्रेंड का जो सेक्शन है उसके अंदर हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है गेट सिम पोस्टपेड। हमें पोस्टपेड सिम चाहिए जो वो भी जियो वाला, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। पोस्टपेड के ऊपर हम जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पर हमारे सामने न्यू विंडो खुल जाती है, जहाँ पर हमारा नंबर वेरीफाई है। यहाँ पर आपका नाम लिया जाएगा और नीचे आ जाता है न्यू नंबर, क्या आपको न्यू नंबर चाहिए 14 जियो, तो हमें न्यू नंबर चाहिए, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका एड्रेस हमें फिल करना है, पिन कोड यहाँ पर आपको लगा लेना है। पिन कोड दोनों डालने के बाद आपको नीचे जो बटन है उसके ऊपर क्लिक करना है ऑर्डर के ऊपर, और यहाँ पर हमारा ऑर्डर है जो कि सक्सेसफुली हो चुका है। तो इस तरह से आ जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव टेकन योर फर्स्ट स्टेप, मतलब आपने जो आपका पोस्टपेड सिम है उसके लिए ऑर्डर लगा दी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे आ जाता है व्यू ऑल एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट्स, मतलब जब आपके घर पर सिम की डिलीवरी लेकर कोई आता है तो उससे हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं, दिखाने हैं, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो एक्सेप्ट डॉक्यूमेंट होंगे वो इन चार में से होते हैं, जिनमें आधार कार्ड, वोटर आई डी, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे चार ऑप्शन आपके पास दिए जाते हैं, जिसके तौर पर आप एज ए आइडेंटिटी या फिर अपने होम एड्रेस की आइडेंटिटी के लिए इन चारों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधार कार्ड सबके पास होता है तो आप आधार कार्ड को ही इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट भी है तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर आप जैसे ये जो डॉक्यूमेंट्स है जो आपके घर पर डिलीवरी लेकर सिम के आएगा उसको आपको दे देने हैं। ध्यान रखें आपको उस डिलीवरी बॉय को कोई भी पैसे नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ऑर्डर हमने लगाया है वो बिल्कुल फ्री है, निशुल्क है, आपको वहाँ पर कोई भी पैसे देने नहीं है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि जियो का जो पोस्टपेड सिम है वो घर बैठे किस तरह से मंगवाया जाता है, किस तरह से ऑर्डर किया जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी ना करना भूलना नहीं।